हेलो एवरीवन, एमएस एक्सेल 2016 के एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल 2016 के रोज़ और कॉलम्स के बारे में बात करेंगे, यानी कितने रोज़ और कितने कॉलम्स होते हैं, और एमएस एक्सेल 2016 के कर्सर्स के बारे में भी जानेंगे, और एमएस एक्सेल 2016 पर मैथ कैलकुलेशंस यानी जोड़ना, सब्सट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, इन सब के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्सर्स की। तो एक्सेल में बेसिकली हमारे पास 7 कर्सर्स होते हैं, और सबसे पहला जो कर्सर होता है वो होता है होलो कर्सर। जब एक्सेल को ओपन करके कर्सर मूव करते हैं तो आपको ये प्लस का साइन मिलता है, इसे हम लोग कहते हैं होलो कर्सर। इसका काम होता है किसी भी सेल को सेलेक्ट करना। जैसे आपको किसी भी सेल पर क्लिक करने से, यहाँ पे आपने क्लिक किया i5 पर, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। किसी भी सेल को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग होलो कर्सर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, एग्जैक्टली। उसके बाद जो हमारा दूसरा कर्सर है वो है टू हेड वर्टिकल एरो। टू हेड वर्टिकल एरो की मदद से आप किसी भी रो की हाइट को घटा या फिर बढ़ा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर किसी भी रो के बीच में आप कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपको टू हेड वर्टिकल एरो मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लेफ़्ट क्लिक करके किसी भी एरो, किसी भी रो की हाइट को आप बढ़ा सकते हैं या फिर आप कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा भी आपको ठीक लगे आप यहाँ से उसको घटा फिर बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा कर्सर होता है वो होता है टू हेड हॉरिजॉन्टल कर्सर। इसकी मदद से आप किसी भी कॉलम की विड्थ यानी चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे आप किसी भी कॉलम विड्थ को बढ़ाना है, जो सी वाला कॉलम है, इस कॉलम की विड्थ को आपको बढ़ाना है, तो आप जब कर्सर लेके जाएंगे उस सी और डी के बीच में तो यहाँ पे आपको टू हेड वर्टिकल कर्सर मिलेगा। आप लेफ़्ट क्लिक करके अगर आप चाहते हैं बढ़ाना तो आप पुल करके उसको थोड़ा सा आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको घटाना है तो वहाँ पे आप उसको थोड़ा सा फिर से उसको कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम की विड्थ को घटाया फिर बढ़ा सकते हैं। ओके, उसके बाद जो हमारा अगला यानी चौथा जो कर्सर होता है वो होता है फोर हेड एरो। ये जो फोर हेड एरो होता है, इसका काम किसी सेल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का ये काम करता है। ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे 1 2 लिखा, अब आपको इस सेल को उठाकर कहीं और पे लेके आना है। अब यहाँ पे आपने क्लिक किया, उसके बाद जब आप इस कर्सर को उस सेल के बॉर्डर पे लेके जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आप फोर हेड कर्सर बन के आएगा। उसके बाद लेफ़्ट क्लिक करके आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं पूरी अपने वर्कशीट पर। ओके, इस तरह से आप कहीं भी उसको मूव कर सकते हैं। तो इसका काम क्या होता है, किसी भी सेल को वर्कशीट पर कहीं भी मूव करने का काम फोर हेड एरो करता है। तो इस तरह से आप किसी भी सेल को इधर उधर आप वर्कशीट पर मूव कर सकते हैं। ओके, एग्जैक्टली। उसके बाद हमारा जो अगला है, अगला जो हमारा कर्सर है वो है आपका नॉर्मल प्लस साइन। ओके, नॉर्मल प्लस साइन। जैसे अगर आप किसी भी कर्सर को अगर यहाँ पे आप सेल पे किसी भी सेल पे आप अगर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको एक राइट साइड में एक डॉट मिलता है। यहाँ पे आपको डॉट मिल रहा होगा, और अगर आप डॉट पर अगर आप अपना कर्सर लेके जाएंगे तो वहाँ पे वो जो साइन आपका है होलो कर्सर वो एक नॉर्मल प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज़ ड्रैगिंग के लिए होता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे काउंटिंग नंबर लिखना है, मान लीजिए आपको 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिखनी है, 100 तक की लिखनी है, जहाँ तक आपको लिखनी है। आपने 1 लिखा, आपने एंटर किया, आपने 2 लिखा, आपने एंटर किया। अब आपको इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जब आप इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, उस डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो प्लस साइन यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आप लेफ़्ट क्लिक करके आप ड्रैग कर दीजिए तो आपका जहाँ तक आप ड्रैग करते जाएंगे यहाँ पे आपका जो नंबर है वहाँ पे दिखता जाएगा। ठीक है, आप और ड्रैग करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 13 14 15। आप जहाँ तक लेके जाएंगे यहाँ पे आपका वहाँ पर आपका वहाँ तक आपका जो नंबर है काउंटिंग नंबर वाला वहाँ पे वहाँ तक लिखता जाएगा। ठीक है, तो इसकी सहायता से आप किसी भी यहाँ पे आप टेबल भी ले सकते हैं। अगर आपको टेबल लिखनी है तो कुछ नहीं करना, आपको आप 2 लिखिए, 2 2 4 लिखकर आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आप उसको प्लस के साइन पर क्लिक करके आप ड्रैग कर देंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप टेबल भी लिख सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ की टेबल लिखनी हो, किसी भी नंबर की टेबल लिखनी हो, वहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। इवन अगर आपको यहाँ पे मंथ नेम लिखना हुआ, जनवरी फरवरी लिखना हुआ, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको JAN अगर जनवरी चाहे तो पूरा लिख सकते हैं आप, JANUARY पूरा स्पेलिंग लिख सकते हैं। अगर आप चाहिए, अगर आप शॉर्ट में चाहते हैं कि शॉर्ट में मैं लिख दूँ, तो आप JAN का यूज़ करके भी उसको लिख सकते हैं। इतना करने के बाद वही काम करना है, आप प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ पे आप उसको ड्रैग कर देंगे, यहाँ पे आपका मंथ का नेम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप वीक्स नेम चाहते हैं, वीक्स नेम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे SUN लिखा, आप चाहे है ना, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं SUNDAY। उसके बाद यहाँ पे आप ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे आपका मंथ नेम भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप मंथ नेम, वीक्स नेम,
और काउंटिंग नंबर्स, टेबल्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। और एक काम और होता है, अगर आपको कोई भी चीज़ रिपीट करनी है, रिपीट करने का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आपको रिपीट करना है, अगर इसे मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई एम लिखा, मान लीजिए आपको इसको रिपीट करना है, आप चाहते हैं कि हर जगह लिखा हुआ हो, तो इसको आप यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करके आप यहाँ पे ट्रैक कर देंगे, तो जहाँ तक करेंगे वहाँ तक वही चीज़ लिख के आ जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका है क्या करने का, ड्रैग करने का। यहाँ से आप इसका काम क्या होता है मैं आपको बता ही दिया है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं अपने कामों में। अच्छा, अगर हम बात करें, चलिए उसके बाद उसके बाद जो हमारा अगला कर्सर है वो है डाउन कर्सर, या फिर आप इसको डाउन एरो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है, ये कब दिखता है, जब आप अपने कर्सर को अपने कॉलम के ऊपर लेके जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बी कॉलम के ऊपर लेके गया, यहाँ पर देखिए अब आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर डाउन कर्सर के रूप में है, डाउन एरो के रूप में बन गया है। तो इसका यूज़ क्या होता है कि किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम डाउन एरो कर्सर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक किया, अब देखिए जो आपका कर्सर है, जो आपका कॉलम है, ये आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ओके, एग्जैक्टली। तो ये काम है डाउन एरो कर्सर का। अब आते हैं अगले कर्सर पर, जो हमारा लास्ट कर्सर है वो है राइट एरो कर्सर, ठीक है। इसका यूज़ होता है कि किसी रो को सिलेक्ट करने के लिए, जब आप अपने किसी रो पर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो जो आपका आइकन है, जो आपका कर्सर का जो आइकन है वो यहाँ पर राइट एरो में हो जाएगा, तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा जो एरो है आपका सेलेक्ट हो जाएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। तो ये आपका यूज़ होता है राइट एरो कर्सर का। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, 7 तरह के कर्सर होते हैं, देर आर 7 टाइप्स ऑफ कर्सर इन MS Excel 2016। पहला क्या है, होलो कर्सर। सेकेंड है टू हेड वर्टिकल एरो। थर्ड है आपका टू हेड हॉरिजॉन्टल एरो। और चौथा है आपका फोर हेड एरोज। और फाइव है आपका नॉर्मल प्लस साइन, जो आपको मैंने बताया ड्रैगिंग के लिए। उसके बाद आपका है सिक्स, यानी कि डाउन एरो कर्सर। उसके बाद आपका है सेवन्थ वन, यानी कि राइट एरो कर्सर, इसके यूज़ से आप किसी भी रोज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मैथ कैलकुलेशंस की तरफ। अब अगर आपको एक्सेल में कोई चीज़ ऐड करना है, जोड़ना है, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली आपको 10 में 5 ऐड करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले आप यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे। देखिए एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल प्रेस करना पड़ेगा, चाहे वो फॉर्मूला कोई भी हो, ठीक है। इसके बिना आपका फॉर्मूला रन ही नहीं करेगा। तो पहले आप इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद जो आपका सबसे पहला नंबर है यानी कि 10 कहाँ पे लिखा हुआ है, C4 में है, तो C4 प्रेस कर देंगे, चाहे आप उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप प्लस का साइन प्लस प्रेस करेंगे। उसके बाद आप 5 वाला सेल लेंगे। उसके बाद आप एंटर कर देंगे, यहाँ पे आपका जो नंबर है वहाँ पे ऐड होकर आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं। अगला तरीका जो आपका है, ये तो खाली दो नंबर को ऐड करने के लिए था, लेकिन आप अगर आपके पास कई नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 25 है, 32 है, 10 है और 14 है, 12 है, 50 है, 54 है, आपको इन सारे नंबर्स को ऐड करना है। अब अगर आप ऐड करेंगे तो आप एक तरीका तो वो है कि आप प्लस का साइन यूज़ करके आप ऐड कर सकते, लेकिन अगर आपको कई सारे सेल को एक साथ ऐड करना है तो आपके लिए एक शॉर्टकट की है, आप अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे। आपका यहाँ पे एक ऑटो सम का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आप एंटर करेंगे तो आपका जो पूरा ऐड जो आपका नंबर है वहाँ पे ऐड होकर आ जाएगा, ओके। अच्छा, एक तरीका और है ऐड करने का, वो ये है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है फिर से, तो अगर आप देखें यहाँ पर होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में, यहाँ पे आपको ऑटो सम का एक ऑप्शन मिलता है, आगे आपको सिग्मा का ऑप्शन भी मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे शॉर्टकट की भी दिख रही है, ये शॉर्टकट की भी है, अगर आप चाहें तो शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हो, जो मैंने आपको प्रेस करके आपको दिखाया भी मैंने। अगर आप चाहें तो आप ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे, तब भी वो आपका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक अगर करेंगे तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, और आप एंटर अगर करते हैं तो यहाँ पे आपका ऐड होकर आपका जो नंबर यहाँ पे आ जाएगा 197 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप, ये दो तरीके और हैं ऐड करने के। तीसरा तरीका ये है कि जो फॉर्मूला यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे जब आपने अल्टिकोल किया तो भी यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई हुआ था, जब आपने ऑटो सम पर क्लिक किया या फिर जब आपने सिग्मा पर क्लिक किया तो भी सेम फॉर्मूला ही अप्लाई हुआ। जो आपका चौथा तरीका है वो ये है कि आप ये फॉर्मूला अगर आप चाहे तो खुद से टाइप करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको इक्वल प्रेस करना है, उसके बाद आपको सम प्रेस करना है, इक्वल सम लिखा आपने, उसके बाद ब्रेकर स्टार्ट करेंगे आप, और ब्रेकर स्टार्ट करने के बाद से आपको जहां पर 25 लिखा हुआ है उस सेल को लेंगे आप, उसके बाद उस लेफ्ट क्लिक करके आप नीचे तक यहां से ड्रैग कर दीजिए, उसके बाद ब्रेकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, यहाँ पर आपका ऐड होके आपका जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चार तरीके हैं ऐड करने के लिए, आप किसी भी तरह से यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। प्लस का साइन लगा के आप ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो अल्ट कॉल प्रेस कर सकते हैं, आप सिग्मा का यूज़ करके इसको आप ऐड कर सकते हैं,
उसके बाद आप चाहे तो फॉर्मूले को खुद से राइट कर कर भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिसका यूज़ करके आप ऐड कर सकते हैं चीज़ों को। ओके एग्जैक्टली। अच्छा अब आते हैं, अब बात करते हैं सब्सट्रैक्ट की। सब्सट्रैक्ट का जो तरीका है वो खाली एक ही तरीका है। जैसे मान लीजिए आपको सिंपल सा आपको 10 में से 5 को माइनस करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको पहले इक्वल प्रेस करना है। मैंने आपको पहले बताया था कि इक्वल प्रेस करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको सबसे पहला सेल लेना है, यानी कि जो आपका एफ जिस भी सेल में है आपको, बाद में मेरे वाले में F4 में है तो आप F4 लेंगे। उसके बाद माइनस का आप साइन प्रेस करेंगे, उसके बाद जो 5 जिसमें है उसको लेंगे आप, उसके बाद एंटर कर देंगे, आपका जो यहाँ पे है आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस करते हैं, आपने मान लीजिए यहाँ पे लिखा 45 में से आप 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 40 आ जाएगा। आप मान लीजिए 50 में से 40 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को सब्सट्रैक्ट यानी कि घटा सकते हैं, सब्सट्रैक्ट यानी कि घटा सकते हैं। ओके अब आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सेम तरीका है, एक ही तरीका इसका भी है, खाली सिंबल्स चेंज होंगे आपके। जैसे मान लीजिए 8 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, आपको कुछ नहीं करना है, आप पहले इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद जो आपका 8 वाला सेल है उसको उस पर आप क्लिक कर देंगे या फिर आप उसको उसके पर अपने कर्सर को ले जाएंगे। आप 8 वाले कर्सर को लेंगे यानी H4, आप किस में जो भी होगा आप उसको ले लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद जो 5 का जो आपका सेल है उसको भी उसको क्लिक कर देंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे तो जो आपका मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। इस तरह से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे आपका जो आंसर वहाँ पे आता रहेगा। जैसे आपने यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई किया 10 से, अगर आपने यहाँ पे जो है 10 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला आपका वहाँ पे लग चुका है ऑलरेडी। ओके अब आगे बढ़ते हैं डिवाइड के लिए। अब डिवाइड के लिए खाली आपका सिंबल चेंज रहेगा, बाकी आपका कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे मान लीजिए आपको 8 को डिवाइड करना है 2 से तो यहाँ पे आपने पहले इक्वल प्रेस किया, उसके बाद जो आपका 8 है 8 वाला सेल हम ले लेंगे। यहाँ पे आपने क्लिक किया, उसके बाद डिवाइड का साइन आप प्रेस करेंगे, उसके बाद 2 वाले साइन को आप प्रेस करेंगे और यहाँ पर एंटर कर देंगे। इस तरह से आप किसी भी चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर हम MS Excel 2016 के रोज़ और कॉलम्स की बात करें तो MS Excel 2016 में 1,48,576 रोज़ होते हैं और 16,384 कॉलम्स होते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग हियर एंड हैव अ नाइस डे।